ताल्लुक रखन था सर ताज हैदर साहब अगर टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। लाइव ट्रांसमिशन चल रही है आपके वक्त का। सर इस वक्त जो सिनेरियो बना हुआ है, हम सबकी नजरें जमी हुई है कि मरकज में कौन हुकूमत बनाने जा रहा है, और इस वक्त जो मुलाकातें और रबते तेज हो चुके हैं पीपल्स पार्टी और नूर लीग के दरमियान, हम क्या एक्सपेक्ट करें? ये रबते तो हो रहे हैं, हम भी मुख्तलिफ पार्टियों से रबते कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये तसादुम की एक जो फिजा बन रही है और मामला इंतहा पसंदों के हाथों में जा रहा है, ये जरा खतरनाक है। और हमें भी मतलब कराची में जो धांधली हुई है वो आपके सामने है। अच्छा। और हमारे पास बहुत एविडेंस मौजूद है और मतलब हजारों वोट हमारे पास मोहर लगे हुए मौजूद हैं, लेकिन अब इसको एक आईनी या कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाए या सड़कों पे आया जाए, फिर सड़कों पे अगर आएंगे और हम मुल्क में इत्तेहाद और नौमान हमारी पहली तरजीह है। सही। अच्छा सर, ये जो ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी को 3 औहदों की पेशकश हुई है, तो क्या इसमें सदाकत है बड़े पैमाने पर, अगर आप हमसे शेयर करना चाहें जिसमें? देखो बेटी, ये हम हुकूमत बनाए या ना बनाए ये अहम नहीं है, बड़ी बात ये है कि ये नफरत, इंतकाम, ये झगड़ा, तसादुम ये रुके, हम नौमान मुल्क के अंदर हूँ। और दूसरी बड़ी तरजीह हमारे है ये है कि जो गरीबों के हालात हैं वो सुधरें, तो हम हुकूमत में हो तो भी हम कोशिश यही करेंगे। और ये हमारा अपोजिशन में हो तो भी हम यही मुतालबा करेंगे। सिंध और बलूचिस्तान में हमारी हुकूमत होगी, वहाँ इंशाल्लाह जो हमारा 10 मुकाती प्रोग्राम है उस पर हम दरामद करेंगे। ताज भाई, इसमें आपने बड़ी अहम बात की है कि सिंध में तो होगी होगी वो वाजह है, बलूचिस्तान में भी क्लियर नहीं है, थोड़ा सा एज पे है आप लोग, वहाँ पर जेई और नून लीग मिल जाए तो शायद आपकी हुकूमत ना भी बन सके, लेकिन आप कह रहे हैं कि वहाँ पर बन रही है, तो दोनों हुकूमत बन रही है जा रहा है, तो फिर नून लीग को कुछ देना पड़ेगा ना वहाँ से, अगर नून लीग का आप साथ लेंगे? नहीं, अगर वो तो जो तो होती रहती है, लेकिन थर पे जैसे हमने पीने का पानी का इंतजाम किया है, 800 आरओ प्लांट लगाए, तो क्यों बलूचिस्तान के साहिल पे हम ये क्यों नहीं कर सकते? जी जी। या वहाँ पे जो वाटर प्रोजेक्ट्स है वो हम क्यों नहीं बना सकते, या जैसे हमने हर का टोल का मंसूबा बनाया, इतना ही बड़ा डिपॉजिट। एक सवाल आप, क्योंकि पीपल्स पार्टी क्यों नहीं डेवलप? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में हुकूमत मिल जाए जरूर करेंगे। मेरा एक सवाल छोटा सा, बड़ी आपसे माफी मांगता हूँ, मैंने गरीब की बात कर दी, आप नाराज हो गए? नहीं नहीं सर, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, यह तो अच्छी बात है, मैं जरा सी पीने की पानी की बात कर दी। नहीं नहीं सर, तो पीने के पानी की बात करो तो लोग कहते हैं कि ये मुहर्रम आ गया। नहीं सर, तो बड़ी अच्छी बात है, आपने आपने जो आपने जो प्लांट लिखी हुई है हमें सिर्फ ठीक करना है उसको। नहीं नहीं, इसमें सही बात है आपके, आपने जो मंशूर दिया है वो बड़ा प्रो पीपल किस्म का मंशूर है, इसमें कोई शक ही नहीं है, वो जाहिर है बलूचिस्तान पर भी अप्लाई होगा। मेरा सर सवाल आपसे सियासी है थोड़ा सा, कि आपने एक ये भी बात चल रही है, फैसल करीम कुंडी साहब ने भी बात की है कि पीपुल्स पार्टी को मरकज में अपोजिशन में नहीं बैठना चाहिए, अपोजिशन में बैठना चाहिए, अपोजिशन में बैठना चाहिए, हुकूमत में नहीं जाना चाहिए, तो ये बात विद इन पीपुल्स पार्टी चल रही है, तो आप इसकी बात करेंगे? ये ओपिनियन भी आपकी पार्टी में मौजूद है? देखिए, जो तरजीहात है वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, कल हमारा सेंट्रल कमेटी की मीटिंग है। ओके। और मैं भी वहीं जा रहा हूँ। सही। तो सही। इसमें ये है कि क्या डिस्कशन होता है, क्या दोस्तों की राय आती है, ये तमाम ना बैठने में ये है कि अगर आपके पास इख्तियार नहीं है तो आप अपना 10 पॉइंट प्रोग्राम जो है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। सही सही। बैठने में ये है कि कुछ ना कुछ आप थोड़ा सा कर लें, नहीं तो हमारे पास ये दो सूबे तो हैं और इनके अंदर। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब तो जो सिंध की इतनी बुराई करते थे और यहाँ चले भी आते थे, अब तो बेचारे वो भी मानने को, मुझे बड़ा रहम आता है, वो इस पे मानने को तैयार हो गए थे। सही। मुझे कहते हैं साहब तबीयत खराब है, हम इलाज करा दीजिए। सही सही सही। ताज साहब, आप फ्लाइट में बैठे और टेक ऑफ होने वाला है, आपने हमें बताया पहले, तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। जी मुसा साहब, हाँ न्यूज ब्रेक जो टाइम भी थी तो मुख्तसर।